गुड नाइट गेमर्स, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और तुम लोगों ने मेरी पिछली माइनक्राफ्ट की वीडियो में देखा होगा कि बहुत ही दुखद भरी कहानी मेरे साथ हो गई थी। मेरी आयरन की चेस्ट प्लेट ही बोलते हैं शायद उसे, हाँ चेस्ट प्लेट चली गई थी। और क्या होता मेरे साथ, हाँ बस ये चेस्ट प्लेट चली गई थी और सॉर्ड चली गई थी मेरी, मेरा शवल चले गया, मेरा एक्स चले गया। पर मुझे कुछ लूट भी मिली है नेदर से, जो कि बहुत ही कम लूट है। ये नेदर वॉट मिला है मुझे और एक मतलब आयरन का हॉर्स आर्मर मिला है मुझे, जो कि मेरे हॉर्स के काम आ सकता है। ओके, और मेरा शक्ल डिप्रेशन टाइप में क्यों हो रही है मेरी शक्ल, आई डोंट नो, पर इसके काम आ सकता है। ये ले, खुद पहन लेना, ठीक है, यहाँ रख रखा है। ओके, सबसे पहले मुझे चाहिए अभी बहुत ही सारी सोल सैंड, क्योंकि 64 नेदर वॉट है मेरे पास। और ये कैसे प्लांट करते हैं मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है कैसे प्लांट होती है ये। और मेरे पास शायद से सोल सैंड यहीं पर ही रखी होगी, नहीं है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक शवल ताकि मैं सोल सैंड माइन करके इधर ला सकूँ। तो शवल भी नहीं है क्या मेरे पास, आई एम वेरी गरीब। अरे सच में शवल नहीं है यार। चलो एक और बनाते हैं, दो शवल बनाता हूँ मैं। किसके हैं ये, आयरन के शवल। ओके ओके, चलो अब चलते हैं नेदर के अंदर दोबारा से। चेस्ट प्लेट तो मैं पहनूंगा ही नहीं क्योंकि कास्ट का खतरा है मुझे बहुत ही भयंकर वाला। और लेट्स गो। और मेरा जो एन्चेंटमेंट लेवल है, शायद इसको एन्चेंटमेंट लेवल बोलते हैं या एक्सपी लेवल बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो भी बहुत नीचे गिर चुकी है। अभी क्या हो गया, तो भी बहुत नीचे गिर चुकी है इसलिए आई कैंट एन्चेंट। ओ भाई, ये लोग यहीं आ रखे हैं आज। अच्छा, मेरे पास मैंने गोल्ड का नहीं पहन रखा है, मेरे को अटैक करने आएंगे। क्या टट्टी गेम है ये, यहाँ रखा है मैंने कुछ गोल्ड का। ओके, ये है मेरे पास। चलो नाउ वी आर सेफ। आप कर लो अपने बाप को अटैक। सोल सैंड एक बार मुझे याद है कि मैंने इकट्ठा तो करी सोल सैंड, पर मैंने रखी कहाँ है वो आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो लेट्स माइन सम सोल सैंड। अगर मैंने किसी मिस्टेक कर दी तो मैं लावा में कर सकता हूँ आराम से, और यहाँ मैं नहीं कर रहा भाई माइन। बहुत ही डेंजरस प्लेस है नेदर। अभी कहाँ आ गया भाई मैं। और लोग बोलते हैं कि जो लाल रंग का बायो में नेदर के अंदर बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस। और ये लाल रंग का होता है या दूसरे रंग का होता है मुझे नहीं पता, रंग जानता हूँ मैं तो, नाम किसी का नहीं जानता क्योंकि आई डोंट लाइक माइनक्राफ्ट। ओके, थोड़ी बहुत सोल सैंड यहाँ पर रख रखी है तो इसको ही माइन करते हैं। और क्या, लेट्स माइन। दस आई है भाई मेरे पास, मुझे कम से कम 50-60 चाहिए थी या फिर एक स्टैक चाहिए था सोल सैंड का। इतने बड़े नेदर में सोल सैंड ही ना आए, बताओ। ओके, यहाँ ऊपर जाकर देखता हूँ मैं अगर यहाँ हमको चांस से मिल सके सोल सैंड। यहाँ वैसे यहाँ पर एक फोर्ट्रेस है नेदर का, जहाँ मेरे साथ दुर्घटना हो गई थी पिछले एपिसोड में, बहुत ही गंदी दुर्घटना। तो यहाँ तो मैं अवॉइड ही करूँगा जाना, पर सोल सैंड के लिए हमको जाना पड़ेगा, अपना सोल भी देना पड़े तो देना पड़ेगा। यहाँ पर डू नॉट एंटर, और इन्होंने लोगों ने मेरा पूरा ब्रिज तोड़ दिया है, जो बोलते हैं उनको विदर या फिर ब्लेज रोड ने शायद, या घास ने तोड़ा था, ऐसे ही तोड़ा था किसी ने मेरा ब्रिज। और यहाँ पर तो भाई अलग ही नेदर, यहाँ पर नरक, यहाँ तो पूरा नरक ही है भाई, हेल है यहाँ पर तो। और रास्ता भी ऊपर जाने का पता नहीं कौन सी जगह जा रहा है रास्ता ये। ओके, तो बहुत दूर वो देख पा रहे होंगे तुम, वो दिख रही है मुझे सोल सैंड वहाँ पर। और ये अजीब सी पिशाच वगैरह बने होते हैं सोल सैंड में, मुझे नहीं पता, वो मुझे डर लगती है इसको देख के। ओके, आई एम वेरी अपरेट। तो मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से नीचे अपने, देख पा रहे होंगे यहाँ बालकनी व्यू भी है मेरे पास, मतलब शीशे का व्यू, और वहाँ जाना पड़ेगा मुझे उस टापू में। तो लेट्स गो टू दैट टापू। उसके पहले मुझे चाहिए बहुत सारे ब्लॉक्स। ओके, ले लेता हूँ मैं, इतने ठीक रहेंगे। और चलते हैं अब दूसरे टापू की तरफ। थोड़ी बहुत सोल सैंड यहाँ पर भी है, पर यहाँ मुझे डर है कि मैं लावा पे गिर सकता हूँ नीचे, इसलिए मैं यहाँ की माइन नहीं कर रहा हूँ। और टापू था कहाँ, आगे था वो, क्यों तो यहाँ से जाता हूँ मैं आगे। ओ लेट्स गो, ये बहुत ही डेंजरस स्टंट है, डू नॉट ट्राई दिस एट होम और डू नॉट ट्राई दिस एट माइनक्राफ्ट। ओके, मैं फाइनली आ चुका हूँ दूसरे तट पे यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही सारी सोल सैंड है। और लेट्स माइन, सबसे ऊपर वाली लेयर मैं माइन करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे खतरे में नहीं आना। ओके, तो मेरे पास तीन स्टैक, मतलब दो स्टैक फुल हो चुके हैं मेरे पास सोल सैंड का। तुम लोग देख पा रहे होंगे बहुत तेज भाग पा रहे हो, क्योंकि मेरे पास है सोल स्पीड 2। यू नो आई एम वेरी रिच इन माइनक्राफ्ट पर नॉट इन रियल लाइफ। ओके, वो रहा मेरा ब्रिज, में कहाँ चल रहा था अभी। तो मैं चलता हूँ अपने बेस की तरफ, अपने ओवर वर्ल्ड की तरफ, क्योंकि आई डोंट लाइक नेदर एनी मोर आफ्टर दैट डिस्ट्रक्शन। और क्या करना है सोल सैंड का, कहाँ पर मैं ये उगाऊंगा और होता क्या इस चीज़ से उगाने से मुझे नहीं पता, पर मैं उगाऊंगा ये चीज़, क्या बोलते हैं चीज़ को, नेदर वॉट। उगाएंगे हम नेदर वॉट आज की वीडियो में। ओके, आई एम बैक। अब क्या हो रहा है, ये कुत्ते के कर रहा है, तू कर रहा है ये, छोड़ो। ओके, तो मुझे उगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये उगाना पड़ेगा क्या, मैं खुद उगाऊंगा यहाँ पर इसे। और शायद इसको लावा चाहिए रहने के लिए, आई डोंट नो,
पर 1 2 3 4 5 छः तो गया, ऐसे में उगाऊंगा मैं पूरा इसको। ओ वाओ उग रहा है ये, क्या चीज़ इसको उगने के लिए मुझे नहीं पता, और होता क्या इससे वो भी मुझे नहीं पता है। पर या क्या था उसके अंदर से, कहाँ निकला ये? पर या वी हैव ए नेदर वॉट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, वी हैव ए नेदर वॉट फार्म सक्सेसफुली एट एवर बेस फॉर वट एवर रीजन। पर या ओके तो रात हो रही है और मॉन्स्टर कितने स्पॉन हो रहे हैं यार, मेरी डिफिकल्टी सेटिंग कितनी है नॉर्मल, तो यार तब भी इतने मॉन्स्टर, क्या झांक के देख रहा है भाई मुझे ये। ओके तो हमारा नेदर का जो ये है फार्म है वो भी लग चुका है हमारे घर के अंदर, और बहुत ही फ्रेश सुबह हो रही है यहाँ पर। कैसी आवाज आ रही है भाई यहाँ से? और जो ये सामान था नेदर का मैं इसके चेस्ट में दोबारा डाल देता हूँ अभी। तो आज का वीडियो का मेन गोल है, मुझे भी नहीं पता क्या मेन गोल है, पर आज कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, मुझे सोचने दो कि हम क्या करेंगे आज। हाँ आज की वीडियो का मेन गोल है तुम लोग को अपना बेस दिखाना, मैंने तुम लोग को शायद अपना बेस दिखाया नहीं है, तो ये देख पा रहे हो तुम बहुत ही बड़ा फार्म है मेरा, और शायद तुमको ऐसे दिखेगा नहीं, मैं तुम लोग को ऊपर जाकर दिखाता हूँ यहाँ से छत का है मेरी भाई। और ये है मेरा फार्म लैंड बहुत बड़ा, यहाँ मैंने पेड़ उगा रखा और हर जगह इंडिया की ही इंडिया मतलब हो रखा है, फैल रखा है पूरी जगह। और ये है मेरा सुपर मार्केट, ये है मेरा वीट फार्म, और ये है मेरा गधे रखने का स्टेशन, और ये है मेरा घोड़े का अलग से ही घर एकदम, पता नहीं क्यों दे रखा है मैंने उसको घर एक अलग से, पर लेट्स जंप देयर, ओके जंप नहीं कर पाता मैं ठीक से। और ये मेरा सुपर मार्केट है यहाँ पर, तुम लोग देख पा रहे हो कि मेरी डायमंड की जो चेस्ट प्लेट है वो जा चुकी है, तो मेरे को नई बनानी पड़ेगी एक, और उस नई बनाने के लिए मुझे चाहिए एक अच्छा सा एन्चेंटमेंट फ्रॉस्ट वॉकर, ये तो दूसरी चीजें हैं, और देखते हैं कि इनमें से कौन अच्छा एन्चेंटमेंट दे रहा है हमको। मेंडिंग मेरे पास शायद 2-3 पड़ी रखी है, मैं देख के आता हूँ मेरे पास कितनी मेंडिंग है मेरे पास, क्योंकि एक दो तो मेंडिंग मेरे पास है ही है घर के अंदर ही, स्टॉक है मेरे पास मेंडिंग, देख पा रहे हो तुम ये सीक्रेट चेंबर मेंड करने का। अच्छा एक मेंडिंग है मेरे पास, एक मैंने कहीं लगा दी क्या? दो मेंडिंग है, अच्छा एक ही मेंडिंग है, एक मेंडिंग है मेरे पास, और वो मांग रहे हैं हमसे 18 एमराल्ड और एक बुक, तो 18 एमराल्ड मेरे पास होंगे ही होंगे देख पा रहे हो तुम, क्योंकि आई एम वेरी रिच। तो एमराल्ड आ चुकी है मेरे पास, और अब मुझे चाहिए एक किताब भाई, मेरे स्कूल की किताब ले जाओ यार, मेरे को पढ़ने का मन वैसे भी नहीं कर रहा है। ओके किताब का है मेरे पास, अरे बुक ही नहीं है मेरे पास, बुक बनती कैसी है बुक? हमको चाहिए एक लेदर और तीन पेपर लेदर का है। ओके तो हमको चाहिए सबसे पहले पेपर, ऐसे तीन पेपर और एक लेदर, वाओ वी हैव अ बुक। और मेंडिंग कौन दे रहा था हमको, ये दे रहा था वो शायद, ये क्या है इम्प्लाइंग, अभी क्या इम्प्लाइंग में चेंज हो गया क्या मेंडिंग इसका, कर्स ऑफ वैनिशिंग, ये है मेंडिंग वाला हमारा। और इसको देने हमको 18 एमराल्ड, 21 दे रहा हूँ मैं, देख सकते हो तुम, मैं टिप भी दे रहा हूँ उसको 3 एमराल्ड की। वाओ मेंडिंग मिल चुकी है एक मुझे, वैसे मैं रखूँगा नहीं मेंडिंग अपने चेस्ट प्लेट में, क्योंकि मैं इतना भी डम नहीं हूँ कि एक मेंडिंग अपने चेस्ट प्लेट में वेस्ट कर दूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दोबारा भी मर सकता हूँ, तो इसको यहीं रखेंगे अब तिजोरी में अपनी मेंडिंग, और मैं मेंडिंग का कलेक्शन कर करके फिर उसको हाई रेट में बेचूंगा, जैसे कि आजकल भी करिए ऑक्सीजन, वैसे ही मैं बेचूंगा मेंडिंग को भी। सॉरी तुम लोग जानते ही होगे कि नया नेदर का अपडेट, केव का अपडेट और क्लिव्स का अपडेट आया है नया वाला, वो तो कब का आ चुका है, मैंने अब की बोल रहा हूँ, पुराना हो चुका है खैर, पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो है गोट का अपडेट। और आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक गोट ढूंढ के लाऊँ, और मेरे को चाहिए एक लीड ताकि मैं उस गोट को अपने घर ला सकूँ, और उस गोट को ढूंढने के लिए मुझे चाहिए एक माउंटेन बायोम, क्योंकि वहीं पर ही है आ रही है वो गोट, स्पॉन वहीं पर ही हो रही है, और लीड मेरे पास है नहीं, तो मुझे लीड, अच्छा एक तीन लीड है मेरे पास, तीनों ले जाता हूँ मैं, और मैं ले जाऊँगा अपना प्रिय प्रेमी घोड़ा, कहाँ है घोड़ा भाई, ओके ये रहा मेरा घोड़ा, अभी इसको मैंने वो दी थी ना शायद से घोड़े में पहन नहीं लगता, इसने पहन ली होगी, पर लेट्स गो, अभी लीस हटा अपनी भाई। ओके तो मैं गोट का दूध पीने के लिए मैं उस गोट को अपने घर में ला रहा हूँ, क्योंकि भेड़ का दूध ही पीता हूँ मैं रियल लाइफ में भी, मेरे घर के खूंटे में एक भेड़ बंद रही है, तुम लोग देख पा रहे होंगे मेरे अपने कमरे में बिस्तर में सोती है मेरी गोट एक, उसका मैं रोज सुबह दूध निकाल के पीता हूँ। ओ एक बी भी है, ओ आई फॉरगॉट, मुझे एक अपने ट्विंकल के लिए भी, नहीं ट्विंकल नाम है उसका, मेरे बी का, मेरे को अपने ट्विंकल के भी एक वो चाहिए थी, बी चाहिए थी, घोड़ा कहाँ गया, चल बे ये बी मेरे काम आ सकती है, जल्दी रुक जा बी, वेट बी, इसको पकड़ लूंगा मैं ऐसे, इसको पकड़ने के चक्कर मेरा घोड़ा कहाँ गया भाई, भाई कसम से यार मेरा बैड लक ही खराब है इस गेम के अंदर, आई डोंट लाइक प्लेइंग माइनक्राफ्ट, अरे मेरा घोड़ा कहाँ घुस गया भाई ये, लेट्स गो, अबे कहाँ घुस गया भाई ये एकदम, कहाँ इसको क्या चुल मच रही है घुसने की यहाँ पर। ओके शायद मैं यहाँ से रास्ता बना सकता हूँ इसको ऊपर जाने के लिए ऐसे करके, इसका मालिक बहुत ही अच्छा है भाई, ये तो अलग ही बेवकूफ़ घोड़ा है। ओके बी आ चुकी है मेरे पास, नहीं गोट का प्लान कैंसिल, अब गोट नहीं चाहिए मुझे, अब एक चाहिए मुझे बी। ओके तो
ऐसी प्लान चेंज होते रहते हैं मेरे, तो मुझे बी अपने ट्विंकल के चाहिए वाली, और चलते हैं ट्विंकल के, ट्विंकल बाय द वे मेरी बी का नाम है, ओके किसी को ना बताओ तो, ट्विंकल के चाहिए मुझे अपनी वाली बी, दूसरी बी कहाँ गई भाई। और ये पिछवाड़े से अपना वो भी निकाल रही है शायद से शहद, और इसको रखने के साथ मतलब रखने के बाद शहद रखने के बाद निकाल रही है शहद ये, और इसको ट्विंकल के साथ रखने के बाद इसके और बच्चे होंगे और मुझे और शहद मिलेगा, और तुम लोग को बताओगा कि मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, मुझे शहद बहुत पसंद है, मुझे पसंद नहीं है शहद। और सुबह उठ के साथ ही मतलब सुबह उठते ही मैं शहद चाटता हूँ, सबसे पहले मैं कुछ करूँ ना करूँ, ब्रश करूँ ना करूँ, उतने जाऊँ ना जाऊँ, पागल घोड़े मेरी बी कहाँ गई भाई, अरे मेरी बी भी चलेगी सर पागल, मैं मरूंगा तो मर ही जाएगा ये सच में भाई, कहाँ गई बी, अपने खोटे में जाके बैठ जा, लीड भी पता नहीं खो दी तो मेरी कैंप फायर भी खो दी, ये बेवकूफ़ का बच्चा है ये, अगर मेरा घोड़ा है तो मतलब मैं बेवकूफ़। ओके हमको चारों तरफ नज़र रखनी पड़ेगी ताकि मैं उस बी को ढूंढ सकूं, और अब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव एक बी को ढूंढना ही है अपने बी के लिए, और मैं अकेला ही आया हूं क्योंकि मेरा घोड़ा बहुत ही बेवकूफ़ है। लगता है कि मैंने इसको यहां छोड़ा था सबसे ऊपर, यहां हो सकती है वो, कि लेट्स सी बी, वेयर आर यू बी, कहां है तू, इस भीषण वर्ल्ड में कहां ढूंढूंगा तुझे मैं, ओपे वो रही पीछे। लीड कहां है मेरी, क्या कर रही है ये, चल मेरे साथ आ, अगर मैंने सलका से छेड़ दिया तो मेरे को काटने आ सकती है ये, इससे छेड़ना नहीं है बिल्कुल। और तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो कि मैं इस बी का नाम क्या रखूं, वैसे अच्छा सा नाम कमेंट करना कोई, जैसे ट्विंकल नाम कमेंट करता है वैसा अच्छा नाम कोई कमेंट करना, तुम एकदम राम अवतार किसी बी का नाम वैसे होता नहीं है, तुम लोगों ने वो कमेंट करा था तो वो कमेंट ऐसे मत करना, कोई अच्छे से नाम कमेंट करना। ओके ओके अब ये हार्डेस्ट पार्ट है, इसको यहाँ से अंदर घुसाना, अगर मैंने गेट खोला तो इसके बाहर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं मेरी दूसरी बी के। अंदर आ, वाओ हटेगी कैसे इससे, लीज कैसे हटेगी मेरी, अबे लीड कैसे हटेगी मेरी। ओके चलो, और ये दोनों हो चुके हैं दोस्त, कैसे दोस्त बनाने हैं इन लोगों को। ओके हे जी गो, ओ छोटा भी आ चुका है हमारी नई दुनिया में, नहीं इस दुनिया में सॉरी, वाओ कहाँ झाड़ में छुप रहा भाई, बाहर आ, अपने शक्ल तो दिखा लोगों को भाई, मैं मेरे को पता था कि मेरे को साइंटिस्ट बनना है, बचपन से साइंटिस्ट बनना था मुझे भाई, देखो मैंने क्या पैदा कर दिया, एक नया जीव, एक नया स्क्वायर ब्लॉक पैदा कर दिया मैंने, सॉरी खैर उसका नाम बी है, और तुम लोग इसकी माँ मतलब ट्विंकल इसका बाप हुआ, इसकी माँ का और इसके बच्चे का तुम लोग नाम कमेंट करके बता सकते हो मुझे, और मैं वही नाम रख दूंगा इन दोनों का। वैसे मेरे पास इतने नाम रखने के लिए मेरे पास नेम टैग है नहीं, पर मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा अच्छा सा नाम देने के लिए, और तुम लोग भी ट्राई करना अच्छा नाम देने के लिए, अगर तुम लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे खुद नाम देना पड़ेगा ऐसे। और मुझे लग रहा है कि मेरे फ्यूचर प्लान में मैं एक अच्छी सी शहद की फैक्ट्री खोल सकता हूँ माइनक्राफ्ट में, और सारे माइनक्राफ्टर्स को मैं शहद बेच के अपना धंधा बढ़ा सकता हूँ, और बिल्कुल मैं दुबई का शेख बन सकता हूँ, बहुत ही अमीर शेख, और जो तुम देख पा रहे हो मेरे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, और बड़ी प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ओके ऐसे ही गाइस, नेक्स्ट वन नाम कमेंट करना दोनों का, बाय। मैं क्यों हाथ लाता हूँ बाय करते हुए।